सुब्रत राय का मौत नहीं हुआ, सुब्रत राय को मार दिया गया है पैसा हड़पने के लिए। सरकार से मांगा कि हम लोग का भुगतान चाहिए, पोर्टल नहीं, मैं पोर्टल में पैसा नहीं दिया था, मैं सारा इंडिया में जमा किया था, मुझे सारा इंडिया से भुगतान चाहिए। भुगतान लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग का जो जमा पैसा है वो सूद चोर मूड़ भी जमा किए वो भी नहीं मिला, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जितने भी सरकार शुरू से कोई भी सरकार सब जनता को लूटने के लिए बना, न कि जनता के हित में, आज तक कोई काम बताइए कि जनता के हित में हुआ है। आश्वासन नहीं दे, ये तो है इलेक्शन का आश्वासन कि 24 में मतदान हुआ, आश्वासन खत्म। उससे पहले हम लोग का पैसा मिल जाता तब ना हम जानते कि सरकार सही आश्वासन दिया। 78 को हुई सहारा इंडिया परिवार बना करके पूरे देश के जनता को, क्या हमारा परिवार है, हमारा भारत माता का जो है ना आगे बढ़ा करके सुब्रत राय लूटने का काम किया, इसमें सरकार भी सहयोग किया। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सस्टॉक न्यूज। सहारा इंडिया बहुत ही चर्चित कंपनी है, समझिए कि निवेशकों का भारत में वो बहुत जल्दी अपना दिल जीत लिया और भारत के बहुत सारे लोगों का पैसा उसमें फंसा हुआ है। इन लोग का क्या मांग है जानेंगे, क्या लगता है क्या हुआ? देखिए सर, सहारा इंडिया जो है, सहारा इंडिया की स्थापना 1 फरवरी 1978 को हुई। सहारा इंडिया परिवार बना करके पूरे देश के जनता को, क्या हमारा परिवार है, हमारा भारत माता का जो है ना आगे बढ़ा करके सुब्रत राय लूटने का काम किया, इसमें सरकार भी सहयोग किया। जितने भी सरकार शुरू से कोई भी सरकार सब जनता को लूटने के लिए बना, न कि जनता के हित में, आज तक कोई काम बताइए कि जनता के हित में हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। सब कोई भी भारत की पार्टियां जो है, कोई भी पार्टी सब लूटा है। तो 1978 में 1 फरवरी 1978 को सहारा इंडिया की स्थापना हुई, उसमें जब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे हिंदुस्तान पर अपने एक छत्र राज किया, बहुत चर्चित कंपनी संसार में, उतना संसार के कोई भी इतना बड़ा चर्चित कंपनी नहीं थी। इसमें 12 लाख कर्जकर्ता जो है जुड़ा, मतलब एकदम रेलवे के बाद में जो है इसी का स्थान था सहारा इंडिया का। हर परिवार में पूरे देश में कोई ऐसा घर नहीं है कि जहां सहारा इंडिया का जमाकर्ता नहीं है। समझिए कि कोई अपने बेटी के शादी के लिए पैसा रखा हुआ था, कोई मतलब शिक्षा के, अपने बच्चों का शिक्षा के ले रहा है, लेकिन उनका पैसा फंस गया है, अभी तक मिल नहीं रहा। ना सरकार की तरफ से आश्वासन मिल रहा है, ना कंपनी की तरफ से आश्वासन मिला, कब लोग का पैसा मिलेगा? क्या अच्छा, तो होते होते जो है 2008 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सहारा इंडिया के लाइसेंस को रद्द कर दिया। रद्द किया, उसके बाद में कहा है कि जो है कि सुब्रत राय सरकार से मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस ले लिया। रातों रात जो है उस अवार्ड बॉन्ड हाउसिंग बॉन्ड को उसमें कन्वर्ट कर दिया, रात भर, एक रात में पूरा कन्वर्ट कर दिया, बिना पूछे हुए जनता से, बिना पूछे हुए, बिना दस्तखत कराए हुए क्यूशॉप में कन्वर्ट कर दिया। झूठों का कि नहीं मिलेगा, इसमें नहीं कन्वर्ट कीजिएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, डूब जाएगा। कर्जकर्ता देहाती ग्रामीण क्षेत्र के, जमाकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के, वो क्या जानता है? वो तो जानता है कि हाँ भैया सरकार, जिसमें भारत के सभी प्रतिष्ठित नेता इसको शाबाशी दिए थे, सहारा इंडिया का 5 और माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या कहे थे कि देश में ऐसा 5 कंपनियां हो जाएगी तो देश का हमारा क्या कल डेवलप हो जाएगा, बहुत डेवलप हो जाएगा। अमिताभ बच्चन यानी जितने भी जो है बड़े बड़े उद्योगपति सब लोग उसको देख करके जनता काम किया, कर्जकर्ता काम किया, और सबका उद्देश्य था कि लूटना, कि इस तरह से ट्रेन जब आती है तो ट्रैक पहले से चेंज होता है, आते आते तब ना 1 नंबर 2 नंबर लगता। उसी तरह सुब्रत राय पूरे जनता को गुमराह करके पूरा पैसा लूटा। सुब्रत राय का मौत नहीं हुआ, सुब्रत राय को मार दिया गया है पैसा हड़पने के लिए। क्या लग, सरकार से आप लोग का मांग क्या है? सरकार से मांग है कि हम लोग का भुगतान चाहिए, पोर्टल नहीं, मैं पोर्टल में पैसा नहीं दिया था, मैं सारा इंडिया में जमा किया था, मुझे सारा इंडिया से भुगतान चाहिए। आज गरीब जनता रो रहा रोड पर, भीख मांग करके पैसा जमा किया। अमित शाह जी तो आश्वासन दिए थे 45 दिन के अंदर सभी के खाता में आएगा पैसा। अमित शाह आश्वासन इसलिए दिए थे कि 5 राज्य में चुनाव था, चुनाव खत्म, पैसा खत्म, चुनाव के चलते अमित शाह दिए थे कि हाँ भैया हम भुगतान 100% करेंगे। क्या हो गया, मतलब गृह मंत्री जब झूठ बोल रहे हैं तो क्या होगा, किस पर विश्वास किया जाए? समझिए कि भारत के बहुत सारे गरीबों का उसमें पैसा है, ये नहीं अगर किसी नेता का पैसा जी रहता तो उसमें हमेशा मिल जाता, मतलब वो डूबता ही नहीं कंपनी, लेकिन नेता जी सबके तो पैसा है नहीं, भारत के मिडिल क्लास के फैमिली के पैसा। और कुछ लोग से जाने अपना पैसा भुगतान लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग का जो जमा पैसा है वो सूद चोर मूड़ भी जमा किए वो भी नहीं मिला, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं।
मतलब हमेशा आप लोग आते हैं तो कुछ आश्वासन मिलता है कि नहीं? आश्वासन तो बहुत मिलता है, लेकिन वो आश्वासन तक ही रह जाता है, उससे आगे फिर बढ़ता नहीं है। आश्वासन में तो कभी झूठा ये मिलता है कि फलाने जगह पैसा मिला, चिलाने जगह मिला, लेकिन हमारे नजर के सामने जब हम अपने जगह में देखेंगे पैसा मिलते हुए, तब तो जानेंगे कि हम लोग का पैसा मिला। सही बात है, हम लोग को यही आश्वासन दिया जाता है और कभी इस पे काम आगे नहीं होती है। सरकार से आप लोग का क्या मांग है? सरकार से हम लोग का मांग है, जो हम लोग सहारा इंडिया में पैसा जमा किए और वो जमा कराने वाला सुब्रतो राय आज नहीं रहा, तो उसका प्रॉपर्टी बेचकर, उसका हर चीज बेचकर सरकार हम लोग का पैसा रिटर्न करे। हम लोग का यही मांग है। ये आश्वासन नहीं दे, ये तो है इलेक्शन का आश्वासन कि 24 में मतदान हुआ, आश्वासन खत्म। उससे पहले हम लोग का पैसा मिल जाता तब ना हम जानते कि सरकार सही आश्वासन दिया। वो तो सरकार हम लोग को बरगलाने का कोशिश कर रहा है कि हम आश्वासन दे दे रहे हैं कि जनता हमारे तरफ झुक जाए, हमको वोट दे, हम अपना पद ग्रहण करे, फिर जनता भाड़ में जाए। उनका अगर 24 तक आप लोग को नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा आप लोग? फिर हम लोग और आंदोलन करेंगे। ये थोड़े है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आंदोलन करेंगे। अपने आने वाले भविष्य बाल बच्चों को भी सिखा जाएंगे कि ये तुम्हारे पूर्वज का पैसा है, इसके लिए तुम पूर्वज का पैसा है, पूर्वज का मेहनत किया हुआ पैसा है, तुम इसके लिए जितना दिन जिंदा रहो लड़ते रहो, जब तक तुम्हारा पैसा न मिले लड़ते रहो। हम लोग यही सिखाएंगे अपने बच्चे को भी। समझिए कि वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है लोग को, मतलब इनका पैसा फंसा हुआ है, मेहनत का पैसा फंसा हुआ है कि लोग कमाते हैं और उसके बाद ये लोग अपने जमा पूंजी में कि हम आगे चल के फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, वो पैसा फंसा हुआ, वो पैसा, अपना पैसा इन लोग को नहीं मिल रहा है। क्या लगता है आप लोग को कि 24 में पैसा मिल जाएगा? नहीं सर, 24 नहीं दे पाएगा पैसा, ये इलेक्शन है इसलिए बोल रहा है ऐसा। नहीं देगा, इलेक्शन ना है लोकसभा का, लोकसभा का चुनाव है, इधर करा लेकिन नहीं मिलेगा पैसा, हम जानते हैं। तो नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे इसके लिए, वोट का बहिष्कार करेंगे। तो सरकार से आप लोग का क्या मांग होना चाहिए? हमारा जो भी पैसा जमा है सब भाई बंधु का, हमारा पूरा पैसा वापस चाहिए, वापस दो पैसा। तो कहे थे ना सरकार की 45 दिन के अंदर कुछ ना कुछ पैसा तो मिलेगा। कुछ दिन कहे थे, क्या दिए? कुछ नहीं दिए, कुछ पैसा नहीं दिए। ये केवल छलावा है, सरकार से हमको पूर्ण भुगतान चाहिए। हमने सरकार से कोई भीख नहीं मांगते, हमने अपना जो पैसा जमा किया है हमको पूर्ण भुगतान चाहिए सरकार से। हम सरकार से ये आह्वान करना चाहते हैं, हमारी पूर्ण, जब तक भुगतान नहीं होगा तो हम लोग लोकसभा का इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। और ये घर घर में घूम घूम के जितने भी हमारे जमाकर्ता है, कार्यकर्ता है, उनको ये सरकार के अगेंस्ट में वोट कराएंगे। अगर हम लोग को पूर्ण भुगतान नहीं मिला तो हम ये सब करेंगे। समझिए कि लोग अपना पैसा जमा किए हुए हैं और कहते हैं कि 2024 में हम लोग का मतलब अपना पैसा के लिए को आंदोलन करना पड़ रहा है, सहारा इंडिया परिवार की फ्यूचर में लोग को काम आता है, इसके लिए जमा किए थे। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।